जेई में 2019 में एरोमेटिक कंपाउंड खासतौर पे फिनॉल नाम के एक टॉपिक से एक क्वेश्चन है, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, फिनॉल की प्रिपरेशन पर है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पर। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ क्यूमीन विद O2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HClR। ऑप्शंस क्या क्या है? फिनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है एसिटोफिनोन एंड मिथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है फिनॉल एंड एसीटोन, और आखिरी ऑप्शन है बेंजीन एंड एसीटोन। ठीक है ना, ये क्यूमीन से फिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रिएक्शन है ये। फ्रॉम ऐसे लिखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ, ऐसे एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मैं आपको बताता हूं। क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। क्यूमीन क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, कमर्शियली इसका नाम है क्यूमीन, और एक्चुअली ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है भाई, अगर इसका हम एयर ऑक्सीडेशन करवाएं O2 से, तो ये जो O है ना, ये O2 है ना, ऐसे डाई रेडिकल की फॉर्म में इसी बीच में धंस जाता है, ऐसे CH बॉन्ड के बीच में ये इंसर्ट हो जाता है। इसकी और कोई मैकेनिज्म नहीं, इतनी ही मैकेनिज्म इसकी है जो बताने के लिए है। तो क्या बन जाता है साहब ये? तब ये बन जाता है एक क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, राइट, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और इसको जब हम डाइल्यूट HCl से या डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं इसको ना, तो बनता है फिनॉल, तब बनता है फिनॉल और एसीटोन, फिनॉल और एसीटोन। पहला स्टेप सिंपल एयर सिंपल ऑक्सीडेशन है O2 की प्रेजेंस में, जिसमें ऑक्सीजन डाई रेडिकल CH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है और बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। यहां से ये कैसे बनता है इसका जरा मैं आपको मैकेनिज्म शो कर देता हूं। ठीक है ना, एक्चुअली इस हाइड्रोपरऑक्साइड में H की प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में पहले हो जाता है प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन होने से ये बन जाता है OH2+। आप देखें, ये बन जाता है OH2+, राइट, और यहां पर है बेंजीन रिंग। अब OH2+ एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये लीव करेगा। जब ये लीव करेगा तो ऑक्सीजन पर होगा प्लस चार्ज, और साथ में इसमें ऑक्टेट की कमी भी होगी। ऑक्सीजन विद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एंड प्लस चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। जिस ऑक्सीजन पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उस पर अगर प्लस चार्ज आता है, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत बहुत कम होती है। ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। कार्बन पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ प्लस चार्ज रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पर पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट कराने के लिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। इफ देर इज अ कंप्लीट ऑक्टेट, देन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैन एकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज यू नो वी हैव द एग्जांपल जैसे CO+ NH4+, दे कैन इजिली एकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज इफ ऑक्टेट इज कंप्लीट। बट इफ ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट एंड अलॉन्ग विद ए पॉजिटिव चार्ज एट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लाइक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, द स्ट्रक्चर विल बी हाईली अनस्टेबल एंड इट विल नॉट बी एग्जिस्टिंग। ठीक है ना, किसी ऐसे ऑक्सीजन पर जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाए और साथ में उस पर प्लस चार्ज भी बन जाए, तांडव हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी। तो ऐसे में ये जो तीनों ग्रुप्स हैं यहां पर,
बेंजीन मतलब फिनाइल रिंग या मिथाइल या मिथाइल, इनमें से एक माइग्रेट हो जाता है। और क्योंकि फिनाइल और मिथाइल में फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए इन दोनों के ऊपर इसी का माइग्रेशन फास्ट होएगा। आई मीन एज कम्पेयर टू मिथाइल, फिनाइल विल माइग्रेट फास्टर। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, फिनाइल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मिथाइल, लेट्स वाई फिनाइल विल प्रीफरेबली माइग्रेट। यहाँ सी प्लस बन जाएगा, आप देखें H2O निकला और साथ के साथ ये फिनाइल माइग्रेट कर गया, फिनाइल रिंग, ठीक है ना, फिनाइल रिंग माइग्रेट कर जाएगी। फिनाइल रिंग माइग्रेट करने के बाद उसी कार्बन से ऑक्सीजन से कनेक्ट होगी जिस कार्बन से वो पहले प्रीवियस कार्बन पे कनेक्टेड थी, ऐसा नहीं होगा कि कोई और कार्बन जाके वहां कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद प्लस चार्ज एट कार्बन, कार्बन इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ पॉजिटिव चार्ज रख सकता है लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं रख सकता। अब हमारे पास क्या क्या है, H प्लस है और H2O है, H2O यहां अटैक करेगा और H प्लस यहां अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा भाई, तब ये बन जाएगा OH और यहां बन जाएगा H प्लस, ठीक है ना। ये देख रहे हो क्या, O प्लस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, इट विल लीव एंड एज सून एज इट लीव्स सी बिकम्स सी प्लस देन एच प्लस इज ऑल्सो फायर्ड। तो हमें क्या मिला, एच प्लस फायर करने के बाद हमें क्या क्या मिला, बिल्कुल लेफ्ट से तो हमें मिला एसीटोन, लेफ्ट से हमें मिला एसीटोन और राइट पार्ट से हमें मिला फिनॉल। तो ये फिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है एज वेल एज इट इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन ऑल्सो बिकॉज एसीटोन इज फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट अलॉन्ग विथ फिनॉल, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, एक बार फिर से बता देता हूं, क्यूमीन में ऑक्सीजन इंसर्ट कर गया, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया, इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड पर जब हमने एसिडिफिकेशन किया तो एच टू प्लस बन गया और जब ये निकला तो ओ प्लस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और प्लस चार्ज रखने जा रहा था और हाईली अनस्टेबल था उस पर पास का फिनाइल माइग्रेट कर गया, इट इज कॉल्ड 1-2 फिनाइल शिफ्ट। और ये शिफ्ट स्लो स्टेप में होती है और उसके बाद बन गया ये कार्बोकेटायन। इस कार्बोकेटायन पर एसिडिक मीडियम में जब H2O ने अटैक किया तो इस तरह से अटैक हो गया और इस प्रकार हमें एसीटोन और फिनॉल दो प्रोडक्ट्स मिले 1:1 रेशियो में। सो दिस इज बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ही है, प्लीज नोट डाउन।